नागौर जिले के संखवास पंचायत के देवनाड़ा तालाब के पास में एक प्रसिद्ध सती माता का मंदिर है। उस मंदिर परिसर में पिछले 4 वर्षों में 500 से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से 350 के लगभग पेड़ पौधे पनपकर बड़े हो चुके हैं। विशेष बात यह है कि इन पेड़ पौधों की पिछले श्रीमान तिलोकराम इनानिया अपने बच्चों की तरह देखभाल करते हैं, समय समय पर उनकी निराई गुड़ाई करते हैं, समय समय पर उनको पानी पिलाना, उनकी तारबंदी करना तथा अनावश्यक खरपतवार को नष्ट करना सहित अनेक सेवा कार्य करते हैं। विशेष बात यह है कि तिलोक राम जी इनानिया प्रतिदिन सुबह सुबह जल्दी उठकर मंदिर परिसर में लगाए गए पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। देवनगर रोड स्थित सती माता मंदिर परिसर में लगाए गए पेड़ पौधों में बरगद, पीपल, नीम, मीठा नीम, अशोक, सहजन, शीशम, आंवला, बेलपत्र, आमल पत्र, नींबू, शहतूत, अमरूद, गुलर, गुंदा, पत्थर चट्टा, मोगरा, चमेली, रोहिड़ा, इमली, कैरुंदा, कैरुंदा, अश्वगंधा, अड़ूसा, ग्वार पाठा, तुलसी, मरवा सहित अनेक औषधि पौधे लगाए गए हैं। जो पौधे लगाए गए हैं वो 4 साल पहले ही शुरुआत की गई थी। इस पौधों में हाथ की मेहनत और रात दिन उपस्थित रहने वाले लोग राम जी नानिया है, इन्होंने कम से कम 400-500 पौधे लगे, कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गए गर्मी के कारण, और फिर भी आज भी 400 पौधे करीब खड़े हैं, जिसमें हर तरह के पौधे हैं, बरगद, पीपल, नीम, करंज और भी जड़ी बूटियों के जो भी है, अशोक जड़ी बूटियाँ भी है, हर तरह के इन्होंने पौधे लगे हैं, वो औषधीय पौधे लगे हैं। इसमें संखवास है, 1 किलोमीटर दूर देवनाडा में सती माता का मंदिर है, जहाँ पर जन सहयोग से करीबन 350 वृक्ष लगाए हैं। उनके सभी भगत आएगी, देखभाल करते हैं, पानी पिलाते हैं, निराई गुड़ाई का काम करते हैं, दही की दवाई पिलाते हैं, और गांव वालों की बहुत आस्था है, सती माता का बहुत भारी पर्चा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।